एक तो आज परवेज खटक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इत्यादि हमारे साथ खड़े हैं, वक्त आने पर ऑपोजिशन को कैसे तोड़ूंगा यह आपको पता लग जाएगा। और दूसरा, आज अहम जो मुलाकात हुई है चेयरमैन सेनेट की परवेज इलाही साहब से, तो उसमें परवेज इलाही साहब ने यह कहा है कि अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है, जमहूरी हुकूमत का हक है कि उसे मुद्दत पूरी करने दी जाए, इलेक्शन अपने मुकर्रा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। तो एक तरफ आप लोग मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन मोनिस इलाही के 2 ट्वीट्स के बाद अब परवेज इलाही साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे अच्छे लगते हैं, 5 साल का मैंडेट पूरा होना चाहिए। देखिए, अभी तो ये सारी चीजें हवा में हैं, कोई चीज डिसाइडेड नहीं है। लीडरशिप को पता होगा कि क्या है और क्या नहीं है, और आने वाले वक्त में मेरा ख्याल पता चल जाएगा चंद दिनों के अंदर कि क्या क्या है, क्या चीजें तय हुई हैं, क्या नहीं हुई, तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके बारे में भी बात आ जाएगी, सामने आ जाएगी कि क्या है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगे। लेकिन ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी भी बड़े पुरुमीद है, पुरएतमाद है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। परवेज इलाही साहब से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं जरदारी साहब की, तो इतनी मुलाकातों के बाद भी इस तरीके का स्टेटमेंट इशारा क्या दे रहा है कि कामयाबी नहीं हुई है जितनी मुलाकातें की हैं जरदारी साहब ने? मेरे ख्याल वो तो उनसे मुलाकातें मौलाना फजल रहमान साहब की हुई है, जरदारी साहब की भी हुई है, मियां शहबाज शरीफ साहब की भी हुई है, तो वो कोई बात हो चुकी होगी। लेकिन मेरे ख्याल नंबर तो इतादियों के अलावा भी पूरे हैं जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक, तो बहरहाल ये अभी देखने वाली बात है कि वो पंजाब के अंदर कितना मैटर करते हैं, कहाँ पे क्या सूरत हाल है, वो डिपेंड करता है।